हरियाणा में लालों की अपनी एक परंपरा रही है। इनके निर्वाचन और गृह क्षेत्रों को लेकर भी रोचक किस्से हैं। मसलन भजनलाल परिवार पिछले 5 दशक से लगातार आदमपुर से चुनाव जीतता रहा है, तो श्याम बंसीलाल का अपना गढ़ रहा है, तो कभी सिरसा का रोड़ी विधानसभा भी देवीलाल और चौटाला की परंपरागत सीट रहा। खुद देवीलाल यहां से विधायक चुने गए तो उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला और रंजीत क्षसा भी विधायक रहे। पर एक ऐसा शख्स भी हुआ जिसने चौधरी देवीलाल और चौटाला के गृह क्षेत्र में अपना सियासी संघर्ष जारी रखा और कामयाबी भी हासिल की। इस शख्स का नाम है चौधरी जगदीश नेहरा। 2 बार मंत्री रहे, कांग्रेस में कई पदों पर काम किया। जगदीश नेहरा का जन्म 5 जुलाई 1939 को राजस्थान के श्रीगंगानगर के भाखड़ावाली में हुआ। उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद लॉ की डिग्री भी ली। उन्होंने अपनी शिक्षा संगरिया, पिलानी, जालंधर, दिल्ली व सिरसा में हासिल की। विद्यार्थी जीवन से ही जगदीश नेहरा ने सियासी गतिविधियों में शिरकत लेनी शुरू कर दी थी। साल 1972 में वे डब्बाली पंचायत समिति से सदस्य निर्वाचित हुए। नेहरा कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित थे और कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। 1977 में कांग्रेस के जिला प्रधान बने और इस पद पर साल 1982 तक रहे। 1982 में कांग्रेस ने रोड़ी विधानसभा क्षेत्र से उन्हें उम्मीदवार बनाया। रोड़ी एक तरह से देवीलाल का गृह निर्वाचन क्षेत्र रहा। देवीलाल यहां से साल 1974 में उपचुनाव जीत चुके थे और यह सीट चौधरी देवीलाल की परंपरागत सीटों में शुमार थी। 1977 के चुनाव में चौधरी देवीलाल के बेटे प्रताप चौटाला लोकदल से उम्मीदवार थे। जगदीश नेहरा ने 32,921 वोट लेते हुए प्रताप चौटाला को करीब 12,000 वोटों के अंतर से हराया। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी। भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और उनकी कैबिनेट में नेहरा को मंत्री बनाया गया। साल 1987 से 1989 तक जगदीश नेहरा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे। संगठन में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस के लिए खूब काम किया। 2 बार वे जेल भी गए। संघर्ष की पगडंडी पर वे आगे बढ़ते चले गए। 1988 में उन्होंने कालामवाली से गाँव चौटाला तक पदयात्रा निकाली। इसके बाद साल 1989 में उन्होंने अंबाला से चंडीगढ़ तक भी पदयात्रा निकाली और जेल गए। चौधरी देवीलाल की लहर के बीच 1987 में वे रोड़ी से चुनाव हार गए, पर उनका संघर्ष जारी रहा। 1991 में रंजीत क्षसा ने 34,902 वोट हासिल करते हुए जनता पार्टी के हरि क्षसा को 9,300 वोटों से पराजित किया। वे भजनलाल की सरकार में क्षसचाई मंत्री बने। एक मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में खूब काम हुआ। नहरों का जाल बिछा, बहुत से खाल बने, कई माइनर बने। 1996 में ओम प्रकाश चौटाला से चुनाव हारा, जबकि साल 2000 में उन्हें टिकट नहीं मिली। सिरसा में कांग्रेस को संवारने वाले इस नेता के साथ भी एक वक्त ऐसा आया जब इन्हें कांग्रेस से किनारा करना पड़ा। साल 2014 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जाहिर है कि चौधरी देवीलाल और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला के गृह क्षेत्र में यही एक ऐसा नेता रहा जिसने सियासी संघर्ष हमेशा जारी रखा। संगठन के नजरिए से खूब काम किया, तो सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने एक मिसाल कायम की।